ओम शांति। कुछ दिन पहले सेंटर पर हमारे पास एक भाई आया। उसने कहा मेरा पूरा परिवार किसी सत्संग में जा रहा था, मेरी पत्नी, मेरा 5 साल का बेटा, मेरी मदर और फादर, 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और फादर को चोट लगी और बाकी 3 ने वहीं शरीर छोड़ दिया। 30 ईयर्स की वाइफ, 5 साल का बेटा और मदर ने वहीं शरीर छोड़ दिया। तो कहा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आता है ऐसा क्वेश्चन माइंड में? कहा, मैं घर गया और जिन महात्मा जी के सत्संग में मेरा परिवार जा रहा था, मैंने उनकी तस्वीर दीवार से उतारी, नीचे ज़मीन पर फेंकी और उसको ज़ोर 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 से मैं टपकने लगा। मैं कहा, इनकी वजह से ये हुआ जो हुआ। फिर उसने अपनी नसें काट दी, जीना नहीं चाहता था लेकिन किसी ने उसको बचा लिया। तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन कंटिन्यूसली चलता था, मैंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती की है? छोटी बड़ी गलतियां की होंगी लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया जिसके लिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? आता है क्वेश्चन ऐसा माइंड में? आता है ना माइंड में ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि जीवन में जब छोटे बड़े सीन आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? जो छोटे सीन होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन की, उनका जिम्मेवार हम किसी ना किसी को ठहरा देते हैं। लेकिन कुछ बड़ी बातें होती हैं जिसका जिम्मेवार हम किसी मनुष्य आत्मा को नहीं ठहरा सकते, तो उसके लिए हम जिम्मेवार किसको ठहरा देते हैं, किसको ठहराते हैं? क्योंकि बचपन से हमने सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी जो हिलता है वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये भगवान की मर्जी से चलती हुई सृष्टि है, राइट है? उस भाई का पूरा परिवार 1 मिनट में सब चले गए, ये भगवान की मर्जी से हुआ होगा? कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बीमार है, पैदा होते ही उसके किसी अंग में तकलीफ है। उस दिन अखबार में आया, 6 घंटे के बच्चे को हार्ट में पेसमेकर लगा रहे हैं, 6 घंटे का बच्चा। ये सब भगवान की मर्जी से होता होगा? एक कन्या घर से निकली कॉलेज से और कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहे, ये भगवान की मर्जी से होता होगा? कुछ परिवार बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से तीर्थ यात्रा पर गए, इतनी बारिश आई कि फिर वो वापस ही नहीं आए, ये भगवान की मर्जी से होता होगा? जब नेपाल में भूकंप आया तो उस पर बहुत लोग फिर कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो एक भाई ने लिखा कि पूरी उम्र बीत गई एक मकान बनाने में और तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे सारे मकान तोड़ने में। किसी के लिए एक मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है और उसने कहा, तुमको 2 मिनट लगे, तुमने मेरे मकान तोड़ दिए। अगर ये भगवान ये सब कर रहा है बैठ कर ऊपर, कैसा भगवान लगेगा फिर ये? ऐसे भगवान से प्यार करने का मन करेगा क्या? ऐसे भगवान से तो क्या करना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम भगवान से डरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डर के करते हैं। ये कर लो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये व्रत कर लो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये नियम फॉलो कर लो नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सब कुछ जो कर भी रहे हैं वो प्यार और भावना से नहीं, डर से करते हैं। करना है लेकिन उसमें भावना कौन सी होनी चाहिए? प्यार और रिस्पेक्ट की भावना। हमारी भावना कौन सी मिक्स हो गई है? डर की भावना, क्योंकि हमने सोचा अगर वो नाराज हो गया तो पता नहीं वो क्या कर देगा मेरे परिवार के साथ। अगर ये सृष्टि, अगर हम सबका भाग्य परमात्मा की मर्जी से लिखा जाता तो एक क्षण के लिए सोचना चाहिए हम सबका भाग्य कैसा होता। एक वर्ड में बताओ, हम सबका भाग्य कैसा होता अगर उसकी मर्जी से लिखा जा रहा होता? से
हमें सारे आंसर पता है, और फिर भी 5 मिनट पहले हमने क्या कहा, सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। अभी हम कहते हैं अगर उसकी मर्जी से हो रहा होता तो सब कुछ कैसा होता, परफेक्ट होता। 5 मिनट पहले हमने कहा ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये किसकी मर्जी से हो रही हैं, उसकी मर्जी से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना था, हमने पढ़ा था, और हमने सुना पढ़ा उस पर थोड़ा सा भी चिंतन नहीं किया, हाँ जी कर दिया। कोई भी बात जब सुनते हैं वो किस भाव से लिखी गई थी, उसका इंटरप्रिटेशन किसी और का क्या था, उसका फिर पास ऑन होते होते कभी कभी मीनिंग ही बदल जाता है, तो उसको ग्रहण करने से पहले 2 मिनट उस पर चिंतन तो करना चाहिए कि परमात्मा की मर्जी से होता तो ये दुनिया कैसी होती। आज अगर हमें पावर मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने की, कैसा भाग्य लिखेंगे, कैसा भाग्य लिखेंगे, जरा लिखें, स्कूल में कितने मार्क्स आएंगे, लिखते जाएं, जरा 1 मिनट लिखो, मन में लिखते जाओ, कौन सा रैंक आएगा उसका क्लास में, सी पूरे शहर में कोई भी स्कूल में कोई सेकेंड ही नहीं आएगा, क्योंकि हर पेरेंट ने क्या भाग्य लिखना है बच्चे का, फर्स्ट। बीमार कितनी बार होगा साल में, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा भी नहीं। सब कुछ पेरेंट ने बच्चे के लिए भाग्य में कैसे लिखना है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर वो हमारा भाग्य लिखता तो वो भी तो परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट ही लिखता। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, एक थोड़ा मस्ती मस्ती वाला है, तो दोनों के भाग्य में कितना अंतर लिखेंगे, एक का ज्यादा अच्छा दूसरे का कम। जो आज्ञाकारी है उसका थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए ना, ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छा, इक्वल। आज क्या हम सबके भाग्य इक्वल हैं? अगर वो भाग्य लिखेगा तो ये 2 क्राइटेरिया पूरे होते, एक हम सबका भाग्य कैसा होता, परफेक्ट, और दूसरा हम सबका भाग्य कैसा होता, इक्वल। आज ना परफेक्ट है और ना इक्वल है, कितना अंतर है। किसी का अपना हेलीकॉप्टर है और किसी को कूड़ेदान में जाकर खाना ढूंढना पड़ता है, ये कितना इक्वल है। कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी है, कोई पैदा होते बीमार है, ये कोई इक्वल है? तो क्वेश्चन मार्क, क्या ये भाग्य परमात्मा ने लिखा? एक और कॉन्सेप्ट बचपन से सुना, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट था। दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, दूसरा जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। दोनों राइट हो सकते हैं, दोनों राइट हो सकते हैं, नहीं, दोनों में से एक हो सकता है एक नहीं हो सकता। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, आज हमारे कर्म परफेक्ट नहीं, बहुत सारे कर्म बहुत सुंदर हैं, कुछ कुछ बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी है। तो कर्म परफेक्ट नहीं तो फिर फल भी परफेक्ट नहीं, कर्म हमारे इक्वल नहीं तो फिर फल भी हमारा इक्वल नहीं। तो अब दोनों में से एक कॉन्सेप्ट को उठाना है, एक को छोड़ना है, तो कौन सा वाला उठाना है? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो कल से जब भी मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किसके पास जाएगी? ये जो हो रहा है मेरे साथ ये किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से। एंड ब्यूटिफुल इज कि इसको अब ठीक करना है तो किसके पास जाना है, इसमें अगर कुछ ठीक करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास ही आना है। आज हम क्या कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, उंगली ऊपर, इसको ठीक कैसे करना है उसके लिए बहुत लोगों के पास जा रहे हैं हम बाहर। आप में से कोई जाता है बाहर भाग्य ठीक करवाने के लिए? कोई नहीं जाता भाग्य पूछने के लिए, फिर जब पूछा पसंद नहीं आया तो ठीक करवाने के लिए हम जाते हैं ना भाग्य ठीक करवाने के लिए अपना। कुछ तो बताओ ना, कोई तो तोड़ होगा ना, कुछ तो कर दो ना ठीक ठाक इसमें। तो हम अपना भाग्य ठीक करवाने के लिए भी किसी और के पास जाते हैं, भाग्य का ब्लेम भी उसके ऊपर डालते हैं, तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेते। तो जिसको हम ठीक कर सकते थे हम उसको नहीं ठीक करते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि क्रिएट हमने किया था, ठीक भी हम कर सकते हैं। आज से ये जो हो रहा है वो किसकी वजह से, मेरी वजह से। चेंज करना है तो कौन करेगा, मैं करूँगा। पावर सारी किसकी,
मेरी, ज्ञान उसका, मदद उसकी, शक्ति उसकी, जिम्मेवारी किसकी? मेरी। ठीक कौन करेगा? मैं करूंगा। रेडी ठीक करने के लिए? रेडी अभी ठीक करने के लिए? इस लाइन को तो मंत्र की तरह पकड़ना चाहिए। जीवन में मंत्र मिलते हैं ना, कि मंत्र जाप करते जाओ, जाप करते जाओ। मंत्र जाप क्यों करते जाओ? मतलब उस ज्ञान की बात को क्या करो, इतना इतना सिमरन करते जाओ, ताकि जब भी कोई बात आए वो ज्ञान की पॉइंट रेडी होनी चाहिए हमारे पास। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और जो फल हमें आज मिल रहा है वो हमारे किसी किए हुए कर्म का रिटर्न है। और इसका मतलब आज मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, ब्यूटीफुल भी और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कम ब्यूटीफुल भी, तो वो दोनों चीजें किसकी वजह से हैं? जो कुछ हो रहा है, चेक एवरीथिंग अराउंड यू, अपने आसपास सब कुछ देख लो, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, धन, पढ़ाई, इंटेलिजेंस, रिश्ते, सेहत, सब कुछ, जो कुछ हमारे साथ आज हो रहा है वो मेरे किसी किए हुए कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। सब कुछ जो हमारे पास अच्छा है, आज हमारा शरीर इतना अच्छा है कि हम यहाँ आराम से बैठे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ कर्म का फल है। कुछ एक आत्माओं के पास वो भी नहीं है, हमारे पास वो फल आज है, हर चीज। इसीलिए किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा उसको वैल्यू करना चाहिए, ताकि आगे भी उसको कैसे चलाएंगे, उसको संभाल के प्यार से चलाएंगे। अब सारा दिन इस एनर्जी फ्लो को देखना है। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, कर्म मतलब ये नहीं कि जो हम बोलते और करते हैं, कर्म मतलब जो हम सोचते भी हैं। क्योंकि हम में से आज बहुतों ने ये आर्ट मास्टर कर लिया है कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको कहूंगी थैंक यू सो मच, आज आप हमारे घर आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहना, इतने दिन बाद आए, जल्दी जल्दी आना चाहिए, नेक्स्ट संडे फिर आना। ये सारे कर्म कैसे हैं? प्योर पॉजिटिव वर्ड्स। लेकिन अंदर से मैंने सोचा कितना बोर किया, उठते ही नहीं थे, बिना बताए एक तो आ गए, ऊपर से खाने पर भी बैठ गए। मैंने तो एक ही बार ऊपर से पूछा था तो हाँ ही कर दिया। ये सब हम करते हैं या नहीं करते हैं? अब जब हम अपनी चेकिंग करेंगे कि मेरा कौन सा कर्म था, ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे डालना था, ये राइट कर्म था, ये पॉजिटिव कर्म था या नहीं, तो किस साइड पर डालेंगे? क्योंकि हम जब अपनी चेकिंग करते हैं ना, बहुत मोटे मोटे रूप से चेकिंग करते हैं। मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की, मैंने उनको खाना भी खिलाया, मैंने उनको गिफ्ट भी दिया, ये नहीं चेकिंग करते। मैंने उनके अंदर 100 थॉट्स मैंने क्रिएट कर दी उनके लिए नेगेटिव, ये चेकिंग नहीं करते। तो अब जब अपने कर्मों की चेकिंग करनी है तो वर्ड्स और एक्शंस पे नहीं, मैंने कैसा सोचा। कर्म मीन्स जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और हमसे निकल बाहर जाती है। तो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारे विचार। जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, एनर्जी तीन ये मुझसे निकल बाहर जा रही है, ये है कर्म। जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है, परिस्थितियां, सेहत, रिश्तों में किसी का मेरे साथ व्यवहार, ये एनर्जी है जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है। जो एनर्जी मुझसे बाहर जा रही है वो मेरा कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा भाग्य। मैं आपसे कैसे बात करूं वो है मेरा कर्म, आप मेरे से कैसे बात करें वो है मेरा भाग्य। हम कहते हैं ना, मेरे भाग्य में ये है, ये मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, ये मेरा भाग्य है। तो जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा भाग्य। अब हमें दोनों के बीच का कनेक्शन पता चल गया कि जो एनर्जी सामने से मेरी तरफ आ रही है वो एनर्जी कभी ना कभी ऐसे गई थी और इसीलिए वो अब मुड़कर ऐसे आ रही है। अब वो सारी एनर्जीज को देखें जो सामने से आ रही है।
बहुत मेहनत की, सफलता आते आते रुक गई। सोचा था ये नौकरी 100% मिल जाएगी, सब कुछ हो गया था, लास्ट मिनट किसी और को मिल गई। पूरी तैयारी की थी कल के एग्जाम के लिए, लेकिन सुबह तबीयत खराब हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पाए। सब कुछ ठीक था, वहां पहुंचने वाले थे, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, काम ही अटक गया। ये सब एनर्जीज है जो वापस आ रही है। अब ये एनर्जी सारी मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि ये एनर्जी कभी ना कभी मेरे से निकल कर गई थी। तो सबसे पहले तो जो माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है, ऐसा क्यों हुआ, इस क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? आज से मन के क्वेश्चंस को खत्म करना है। क्यों क्वेश्चन को खत्म करना है? क्वेश्चन क्रिएट करने से माइंड की एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इमिजिएटली माइंड को क्या कहना है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि ये मैंने कुछ किया था, उससे क्या होगा? क्वेश्चन स्टॉप और सारी शक्ति यूज हो जाएगी सोल्यूशन के लिए। अगर क्वेश्चन में ही उलझे रहे तो सोल्यूशन के लिए शक्ति नहीं मिलती है। तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन को आज क्या करना है? फुल स्टॉप करें, फुल स्टॉप। एक भाई ने उस दिन अपना अनुभव सुनाया, कहते मैं सुबह सुबह उठा, ऐसे बेड से नीचे उतरा तो टेबल ऐसे बड़ी थी, तो जोर से सुबह सुबह मेरे को चोट लग गई उस टेबल से, तो मैंने जोर से डांटना शुरू किया, सब स्टाफ मेंबर को बुलाया, वाइफ को भी बुलाया, उसको भी डांट दिया। समझ में नहीं आता टेबल कहाँ रखी थी, सुबह सुबह मुझे चोट लग गई। तब 5-10 मिनट ऐसे मैं जोर जोर से शोर मचा रहा था, तो किसी एक ने आके कान में धीरे से कहा, सर रात को आपने खाना खाया था और आपने ही रखी थी वहां पे। तो जैसे ये नॉलेज मिली कि आपने ही रात को वहां रखी थी, अब क्या हो जाएगा? इमिजिएटली सारा शोर मचाना बंद, ब्लेम करना बंद, और सोल्यूशन पर फोकस्ड कि आज से रात को ध्यान से रखेंगे। अब वो सारी सिचुएशंस देख लीजिए जिसके लिए मन शोर मचाता है, और अपने आप को कहिएगा, ये सिचुएशन मैंने ही वहां रखी थी। कब रखी थी वो देखेंगे, लेकिन रखी तो मैंने ही थी। तो उसके लिए शोर मचाना बंद, किसी और को ब्लेम करना बंद, और फोकस सारा किस पे? अब ध्यान से रखेंगे। तो सारी एनर्जी किस में आ जाएगी? प्रेजेंट में, कि अब क्या सोल्यूशन है, अब क्या करना है। तो सारा दिन ये फ्लो ऑफ एनर्जी, मुझसे जो निकल रहा है एनर्जी, वो कर्म, वो सामने जाएगा, हिट करेगा और वापस आएगा, वो है मेरा भाग्य। जब वो वापस आ रहा है मेरी तरफ, क्वेश्चन नहीं करना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों। बहन सामने से खड़ी होती हैं और सब 2000 लोगों के सामने मुझे कुछ बहुत रूडली इधर बोल देती है। मैं कहती हूँ सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, ये बॉल सामने से आ रहा है, सामने से आ रही है, बोलती जा रही है, मुझे इंसल्ट कर रही है, मेरे बारे में बुरा कह रही है सबके सामने। मेरे हाथ में क्या है? मैं उनके बारे में क्या कर सकती हूँ? मैं जो अच्छा करती हूँ वो बीच में, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट हर? कैन आई चेंज हर? कैन आई स्टॉप हर? सो व्हाट कैन आई डू अबाउट हर? नथिंग। आज वंस एंड फॉर ऑल मन को कह दो, नथिंग। हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। हम ना रोक सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ट्राई भी नहीं करना। स्टॉप, वो वाला चैप्टर क्लोज, उनको बदलने का। और सारा फोकस किस पर? कि अब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट? इसका मतलब मैंने एक यहां से बॉल ली, सामने मारी, वो उस दीवार पे लगेगी, वापस आएगी। जब वो बॉल वापस आ रही है, मैं उस बॉल को क्या कर सकती हूँ? वो मेरे कर्म का फल है। उसने कहाँ आना है? उसने कहाँ आना है? उसने मेरे पास ही आना है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आज वंस एंड फॉर ऑल फाइनल करके साइड पे रखते हैं इस बात को। मैंने बॉल फेंकी, जब मैंने फेंकनी थी तब मेरे पास चॉइस थी, लेकिन अब तो वो हाथ से निकल गई है। सामने वो हिट करेगी, वापस आएगी। यहाँ आज पक्का कर लें, उस वापस आती हुई बॉल को हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसको सिर्फ कब तक कर सकते थे? जब हमने भेजनी थी। वापसी पर हम उसको
कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बॉल सामने से आ रही है, मतलब वो बहन जब सामने से गलत तरह से बात कर रही है, उस क्षण मैं कैसा फील करूँगी, कैसे बात करूँगी, कैसा व्यवहार करूँगी, कैसा रिस्पॉन्ड करूँगी, वो एक नई बॉल है जो मेरे हाथ से निकल रही है। राइट, क्लियर हो गया एनर्जी फ्लो? वो मेरे से कैसे बात कर रही है, वो पुरानी बॉल का रिटर्न है, कभी ना कभी फेंकी होगी। अब वो सबको देख लो जो पुरानी बॉल्स का रिटर्न फेंक रहे हैं आपको, वो सब पुरानी बॉल्स का रिटर्न है। आज वो किसी भी रिश्ते में आए हो, किसी भी रोल में आए हो, वो पुरानी बॉल का रिटर्न है वो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस क्षण हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हर बार हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी नई बॉल है जो हम फेंक रहे हैं। तो सारा अटेंशन किस पर होना चाहिए, जो नई बॉल हम फेंक रहे हैं। हमारा ज़्यादातर अटेंशन किस पर चला जाता है, जो सामने से पुरानी बॉल आ रही है, और पुरानी बॉल को देखते देखते हमारी नई वाली बॉल भी कैसी वाली निकल जाती है। छोटी सी गलती है ये छोटी सी गलती ठीक हो जाए, जीवन बदल जाएगा। पुरानी बॉल जो सामने से आ रही है, वो कभी कभी बहुत भारी हो सकती है, बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत एक परमानेंट रिश्ता हो सकती है वो मेरी जीवन का, जो रोज मुझे तंग करती है, जो रोज कभी मेरे पे हाथ भी उठाती है, जिसकी वजह से मैं रोज रोऊं, वो इतना भारी बॉल हो सकती है। लेकिन फिर भी वो वापस आती हुई बॉल है आज फाइनल, कि वो बॉल मेरे हाथ में नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। लेट मी प्रैक्टिस कि उस पुरानी बॉल का प्रभाव मेरे पे ना पड़े, मेरा फुल फोकस किस पर हो, अपनी नई बॉल इस बार अच्छी भेज दें। इनफैक्ट जितनी भारी बॉल सामने से आ रही है, उतना ही ज़्यादा अटेंशन मेरा किस पर होना चाहिए, कि मुझे नई बॉल कितनी अच्छी भेजनी है, ताकि उनके साथ अब फिर से कोई गड़बड़ वाला अकाउंट मुझे तो नहीं क्रिएट करना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि इस बार वंस एंड फॉर ऑल ये हिसाब किताब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो वहां से नेगेटिव बॉल आ रही है, मुझे कौन सा वाला अभी भेजना है? तो सपोज वो जो बॉल आ रही है उसका कलर हम ब्लैक करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव है, हमने कौन से कलर की भेजनी है? पक्का अब आपको दिख रहे हैं वो लोग जो आपको ब्लैक बॉल भेजते हैं? किस किस के पास ब्लैक बॉल आ रही है आजकल जीवन में, हाथ उठाओ। छोटी भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। आ रही है, आ रही है, कई बार तो बहुत नज़दीक के लोगों से आती है, बहुत प्यारे रिश्तों में आती है, जो रिश्ते हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार हमारे बच्चे की कोई आदत हमारे लिए सारा दिन का दर्द का कारण बन जाती है, ये भी एक ब्लैक बॉल ही होती है, कि उसका कोई कर्म हमारे लिए रोज रोने का कारण बन जाता है, ये ब्लैक बॉल है जिसकी वजह से हम रोते जाते हैं। अब जब रोते जाएंगे तो हम नई वाली बॉल भी कौन से कलर की भेज रहे हैं? ब्लैक। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक का रिटर्न ब्लैक भेजा, तो पास्ट ब्लैक था, प्रेजेंट ब्लैक कर दिया, और भाग्य में लिख दिया कि फ्यूचर ब्लैक होगा। अब किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या, ये तो हमने खुद ही बनाया है ना। तो आज से फोकस, वो क्या भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारा सारा फोकस किस पर, मुझे क्या भेजना है। इज इट रियली पॉसिबल कि कोई हमारे साथ गलत करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, और हम उसको दुआएं दें? चलो एग्जाम्पल, मेरे सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, उनका नेचर है चिल्लाते जाना, इरिटेट होते जाना, क्रिटिसाइज होते जाना, जोर जोर से दूसरे की कमजोरियां निकालते जाना। आप कितना भी अच्छा काम करें वो आपकी गलतियां निकाल देते हैं, अप्रिशिएट तो करना ही नहीं, क्रिटिसाइज कर देंगे। अच्छा अभी बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं, मतलब कितने ब्लैक बॉल्स आ रहे हैं सारे दिन के अंदर, बहुत सारे आ रहे हैं ओके सी ब्लैक बॉल कैसे कैसे आते हैं। अब चॉइस है, आप सारा दिन क्या भेज रहे हैं उनको। अच्छा अब ये करते करते सामने वाला तो जो ब्लैक बॉल भेज रहा है वो तो भेज ही रहा है, तो सामने वाला तो कितने दर्द में है जो इतने ब्लैक बॉल भेज रहा है। जब हम उनके बारे में ऐसा सोचते जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसी क्रिएट हो जाती है,
उनको भेज रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उनके बारे में ऐसा चिंतन करते करते हमारे मन की स्थिति कैसी हो जाती है, हमारी खुशी का इंडेक्स क्या हो जाएगा। अब रिस्क देखो क्या है, वो आत्मा अगर इतने ब्लैक बॉल्स भेज रही है तो उसकी मन की स्थिति कैसी होगी, दर्द में, ठीक है, वो दर्द में है, वो वहां से दर्द भेज रहे हैं, हम उनके दर्द को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम और दर्द क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम दर्द उनको भेज रहे हैं, तो कल उधर से कितना दर्द आने वाला है। तो अपना भाग्य तो खुद ही लिख रहे हैं कि अगर आज वो इतना क्रिटिसाइज करते थे कल वो उससे ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। अब इसमें अगर हम अपने नजरिए को बदलें कि सामने वाली आत्मा जो सारा दिन में प्यार से बात ही नहीं कर पाती है, जो किसी की विशेषता को देख ही नहीं पा रही है, जो किसी को अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रही है, वो अंदर कितने दर्द में होगी। जिस दिन आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी ना, आप कड़वा बोल ही नहीं सकते, अपने आप शब्द कैसे निकल कर आएंगे, मीठे ही निकल कर आएंगे, क्योंकि मूड बहुत अच्छा है। जिसके मुख से कड़वाहट ही निकलती जा रही है तो उसका अंदर का एक्सरे क्या दिखाने वाला है। तो जो ऑलरेडी इतना दर्द में है, इतने बीमार व्यक्ति से क्या नफरत करना, उसकी वजह क्या कर देना। कोई अगर आपको दिखे वो इतना बीमार है, इतना बीमार है, इतने दर्द में है, वो खुश रह ही नहीं पा रहा है, उसके सामने अच्छे से अच्छी चीज आ जाए वो अच्छा सोच ही नहीं पा रहा है, कितना दुखी है, कितना दर्द में है, ऐसे आत्मा के प्रति क्या आना चाहिए। ऐसे आत्मा के प्रति कंपैशन, शुभ भावना, दया, ये हो गई व्हाइट बॉल, ये हो गई व्हाइट बॉल, अंडरस्टैंडिंग के सामने वाला कितने दर्द में है, कितने। हमेशा हम क्या होता है, अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम सिर्फ एक क्षण के लिए सामने वाले के नजरिए से सोचें कि ये कितना दर्द में है, इतना बोलते हैं ऐसा इस तरह से, इतना सोचेंगे तो हमें ब्लैक बॉल से व्हाइट बॉल शिफ्ट करने में एक थॉट भी नहीं लगेगी, एक थॉट भी नहीं लगेगी। नहीं तो हम जीवन भर ब्लैक बॉल भेज सकते हैं और चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, वन थॉट। सिर्फ क्या करना है, सामने वाले की पोजिशन में जाके देखना है कि कितना दर्द में है। कुछ दिन पहले एक बहन ने अमेरिका से फोन किया, कहती मैं 23 साल से मेरी सांस मुझे तंग कर रही है, उनकी सांस बिल्कुल आपके बॉस की तरह थी, कहा मैं कुछ भी कर लूं वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी, मैं अच्छे से अच्छा करूं सब लोग बोलते हैं मैंने अच्छा किया, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ गलती निकालेगी। एंड 23 साल बहुत ज्यादा होता है, 23 दिन 23 महीने ही नहीं, 23 साल। कहती जब शादी करके आई आज बच्चे 20 साल के हो गए हैं, कहती मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में रहती हूँ बहुत ज्यादा इसकी वजह से, हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको उनका ध्यान रखना है। तो कहा मेरे बच्चों पर इस पर असर पड़ने लग गया है, अब वो फील करते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं स्टैंड नहीं कर रही अपनी बात के लिए, तो मैं सप्रेस होती जा रही हूँ अंदर। अब ये 23 साल की कहानी है, इतना दर्द में जीना, विक्टिम बिचारी मैं, मेरी सांस भी ऐसी, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं सपोर्ट करते, तो मेरे बच्चे भी दुखी, तो मैं भी डिप्रेशन में, दिस इज अ लाइफ ऑफ अ विक्टिम। अब ये सारा दिन कौन सी बॉल भेज रही होंगी अपनी मदर इन लॉ को, सी 23 इयर्स में क्या हुआ होगा, ब्लैक बॉल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया होगा ना, शुरू इतने से हुआ होगा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं रोका तो ब्लैक बॉल का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक क्षण मैंने उसको कहा, बहन चलो एक क्षण आपकी मदर इन लॉ की पोजीशन में बैठकर देखते हैं, ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट क्यों नहीं करता, उनकी साइड क्यों लेता है सिर्फ। तो कहा वो एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है इनफैक्ट, और फादर भी नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ एक ही मेरे हस्बैंड पे ही टोटली डिपेंडेंट है, और हम रहते विदेश में, तो उसको कितनी इनसिक्योरिटी है कि कभी भी अगर उसके बेटे ने उसको, तो वो लेडी के पास कहीं जाने को नहीं है, उसके पास कोई और फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा 23 इयर्स इस कहानी को रिवाइंड करते हैं, एक आत्मा जो अपने बेटे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, हस्बैंड नहीं है और बच्चे नहीं है, देश बाहर है और मकान नहीं है, ठीक है, तो ये आत्मा कितनी डिपेंडेंट होगी अपने बच्चे पे,
रखें अपने आप को उस पोजिशन में, कितनी डिपेंडेंट है। अब इस आत्मा को पता है कि इस बच्चे की जीवन में एक और कोई आने वाला है कल, तो अंदर कुछ होना शुरू होगा या नहीं होना शुरू होगा? क्या होना शुरू होगा? इनसिक्योरिटी, फियर। अगर वो लड़की से ज्यादा अटैच हो गया, मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर गया तो, अगर मुझे घर से जाने के लिए कह दिया, कहीं और रहने के लिए कह दिया तो, अब ये इनसिक्योरिटी वो लड़की को मिलने से पहले से ही हो गई होगी। तो इट डजेंट मैटर कि वो लड़की अच्छी है नहीं है, कैसे उसके संस्कार है, इट डजेंट मैटर, मेरे अंदर तो इनसिक्योरिटी शुरू हो गई ना। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कन्या शादी करके घर आई तो इस आत्मा का एक ही एजेंडा बन गया कि मुझे अपने बेटे के सामने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये लड़की सही नहीं, ताकि मेरे बेटे का कनेक्शन ज्यादा किससे बना रहेगा। ये आत्मा प्लानिंग करके नहीं करती, लेकिन ये आत्मा का इनसिक्योरिटी का संस्कार उससे ये करवाता है, और वो करते हुए आत्मा को ये बिल्कुल सही लगता है कि जो मैं कर रही हूं ये बिल्कुल सही है। अब ये संस्कार ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी 24 घंटे आत्मा को तंग करता है। गुस्सा नफरत भी इतना तंग नहीं करते जितना फियर और इनसिक्योरिटी अंदर आत्मा को 24 घंटे पकड़ के रखता है। इस इनसिक्योरिटी के थ्रू उसने क्या किया होगा, वो जो नई नई आई होगी लड़की, उसकी छोटी छोटी गलतियां निकालने शुरू कर दी। अ वे ऑफ सेइंग कि तेरी वाइफ उतनी अच्छी नहीं है, मैं ही बेटर हूं। तो अपनी बहू के साथ वो कॉम्पिटिशन में आ गई, पावर स्ट्रगल हो गई कि हु इज बेटर, यू और मी। तो क्रिटिसाइज करना शुरू हुआ, शुरुआत हुआ होगा थोड़ी सी क्रिटिसिज्म से। बहू गई दर्द में, तो वहां से कौन सी बॉल फेंकी, वहां से फेंकी ब्लैक। यहां तो ऑलरेडी ब्लैक थी, फियर और इनसिक्योरिटी ऑलरेडी ब्लैक थी। ब्लैक गई, ब्लैक आई, ब्लैक गई, ब्लैक आई, ब्लैक गई, ब्लैक आई। क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ, डिप्रेशन तक पहुंच गया। शुरू वो 99 बुखार से होता है, हम उसको कैंसर तक लेके जाते हैं, क्योंकि एक जना बीच में से कट नहीं करता है ब्लैक बॉल भेजना। अगर एक जना भी कट कर दे वो उधर की उधर रुक जाएगी बीमारी। तो जब उस बहन को ये समझ में आया, आई सेड वो कितनी इनसिक्योर तुम्हारी मदर इन लॉ, उस वजह से वो ऐसा कर रही थी, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। वो उसका अपना डर था, फियर था, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रही थी। तो वो एक मिनट एकदम चुप हो गई और कहती, हो कैसी हो, मैंने क्यों नहीं ये बात रियलाइज की, ये तो बिल्कुल राइट बात है, वो मेरे हस्बैंड पे डिपेंडेंट है टोटली, उसका तो उनके बिना कोई है ही नहीं, तो नेचुरली ऐसे ही हुआ होगा। अब 23 साल ये बात क्यों नहीं रियलाइज की, क्योंकि 23 साल में एक बार भी उनका नजरिया तो सोचा ही नहीं। 23 साल सिर्फ किसको देखा, मैं दर्द में, मैं दर्द में, मैं दर्द में, बिचारी मैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सोचा नहीं। जैसे ये एक रियलाइजेशन आई तो उस बहन को रियलाइज हुआ कि मैं जितने दर्द में हूं, मेरे से ज्यादा दर्द में कौन है। मैं कहा, बहन तुम्हारे पास तो बच्चे भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, जॉब भी है, लोग भी हैं, उस लेडी के पास तो अकेले रह के घर में कुछ और है ही नहीं, एक ही है जिस पे वो डिपेंडेंट है और उसके लिए उसको डर है, तो दोनों में से ज्यादा दर्द में कौन, सास या बहू। जैसे ये एक थॉट आई, अब नफरत के बदले कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, अब ये रहम है, ये शुभ भावना है, ये कंपैशन है। और जैसे ये थॉट चेंज हुई, अपने आप ब्लैक बॉल बंद हो गई और व्हाइट बॉल जाने शुरू हो गए। ये एक थॉट पॉज करके चेंज करनी होती है कि वो अगर ऐसा भेज रहे हैं तो क्यों, क्या चल रहा है अंदर। जैसे ही जो आत्मा दर्द में है उसको अगर दुआएं मिलनी शुरू हो जाए लोगों से, तो उसका दर्द क्या होने लगेगा, उसका हील होने लगेगा। लेकिन दर्द में है और उसको आसपास सब लोगों से क्या मिलना शुरू हो जाए। अब ये बहन क्या करती होंगी, देखो रोज परेशान होती होंगी उस बॉस से, ठीक है, फिर अपने दोस्तों को भी बताती होगी, बताते हैं नहीं बताते, फिर घर जाती होंगी रोज मम्मी पापा को सुनाती होगी, आज ये बोला, आज ये बोला, आज ये बोला। जैसे जैसे हम जितने लोगों को सुनाएंगे, उन लोगों ने भी बैठे बैठे कौन से बॉल भेज देने, ऐसे वो ऐसे वो ऐसे,
उस आत्मा को कितने ब्लैक बॉल मिलते हैं हर तरफ से, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चेंज हो जाए। यही अगर सब लोग मिलके कंपैशन क्रिएट कर लेते, वो आत्मा ऐसे चेंज हो जाएगी और हम अपना भाग्य बदल देंगे। तो रेडी है व्हाइट बॉल भेजने के लिए? आज अपने अंदर इतनी रिजेंटमेंट, नफरत, गुस्सा, पुरानी बातें, दर्द पकड़ कर रखेंगे तो शरीर भी किसका बीमार होगा? मेरा। मन तो दुखी होगा होगा, शरीर बीमार होगा और रिश्ते अफेक्ट हो जाएंगे। हमेशा जो हमें ब्लैक बॉल्स भेज रहे हैं, सबसे पहले उनको मन में बैठकर सॉरी बोलना है, क्योंकि उस तरफ से आ ही नहीं सकती जब तक हमने भेजी नहीं थी। आप देखो, हम किसी दिन सुबह निकलते हैं, खाली सड़क है, अपनी गाड़ी निकालते हैं, कहते फटाफट ऑफिस पहुंच जाएंगे, नई गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, खाली सड़क पर भी सामने से कोई आता है जोर से टक्कर मार देता है। सुबह सुबह नई गाड़ी में डेंट, हमारी में नहीं पड़ता, कभी उनकी गाड़ी में पड़ जाता है तो वो सुबह सुबह हमारे से 2,000 रुपये लेके चले जाते हैं। फिर हम बैठकर घर आके सोचते हैं, मैं उस रोड से क्यों गया आज, फिर मैं रोज 8 बजे जाता हूँ, आज मैं 7:45 क्यों निकला। होता है ऐसा है? नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी और हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड थी, हमें उनसे मिलना ही था, क्योंकि पिछली बार के 2,000 रुपये उनको वापस नहीं किए थे। दे विल कम, वो आएंगे, लेंगे और चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी के साथ हिसाब किताब चुप तो नहीं, वो नहीं रखना, पेंडिंग नहीं रखना है, सबके क्या कर देने, चुप तो कर देने। अचानक आ जाते हैं लेने के लिए, नहीं तो फिर कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा, कुछ भी अनफेयर नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है बैड लक, ये सब हमारी लक है। क्रिएट किसने की? मैंने की। आ रही है, प्यार से दे दो, और उसके प्रति कुछ भी अंदर नहीं सोचो। कोई पैसों का हिसाब किताब आएगा, कोई रिश्तों का हिसाब किताब आएगा, कोई सेहत का हिसाब किताब आएगा, लेकिन ये सब कुछ किसने क्रिएट किया था? मैंने क्रिएट किया था। कुछ रिश्तों में हमें लगता है मैंने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो इनफैक्ट इनके साथ सब कुछ अच्छा 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 ही किया, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा गलत क्यों करते हैं? होता है ऐसा कि मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, आजकल कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, कुछ उन्होंने कभी गलत उस बच्चे के लिए किया ही नहीं, और बच्चा देखो बड़ा होके क्या कर देता है कई बार। तो ये क्या हिसाब किताब है? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। जो कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब है वो इसके और इसके बीच नहीं है, वो किसके और किसके बीच है? वो मुझ आत्मा के और उस आत्मा के बीच है। अगर मैं बहन के साथ आज गलत तरह से बात करूं, मैं इनके साथ गलत व्यवहार करूं अभी, ठीक है, फिर ये भी घर जाए, मैं भी घर जाऊं, फिर एक हफ्ते बाद हम फिर मिलें, अब ये मेरे से प्यार से बात करेंगे मिलते ही, इनको क्या याद रहेगा कि पिछली बार मैंने इनसे ठीक से बात नहीं की थी, लेकिन आज इन्होंने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, अगले हफ्ते जब ये मिलेंगे ये रेड ड्रेस पहनी होगी, इनकी भी ड्रेस चेंज, मेरी भी ड्रेस चेंज, ये प्यार से बात करेंगे मेरे से? ड्रेस चेंज हो गई, अब पुरानी बात भूल जाओ? भूलती है? नहीं भूलती है, नहीं भूलती ना। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि बात ड्रेस ने नहीं की थी, बात किसने की थी? कहेंगे आपने मेरे से बुरी तरह से बात की थी। वो आप और मैं कौन है? वो है आप आत्मा और मैं आत्मा। तो अगर ये ड्रेस बदल जाए तो बातें नहीं भूलती, इसी तरह अगर ये शरीर रूपी ड्रेस बदल जाए तो बातें नहीं भूलती, बातें नहीं भूलने वाली है। सिर्फ फर्क क्या है, जब हम अगली बार फिर मिलेंगे इनको भी याद नहीं होगा कि मैंने पिछली बार ठीक से नहीं बात की थी, मुझे भी याद नहीं होगा कि मैंने पिछली बार ठीक से बात नहीं की थी, लेकिन जब हम आमने सामने आएंगे ये मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाली एनर्जी हम अपने आपस में फिक्स करके आए हैं। तो जो भी ऐसे आसपास आ रहे हैं, जो ऐसी वाली एनर्जी भेज रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं हमने कभी उनके साथ कुछ नहीं किया, तो हमें अपने आप को बताना होगा इस ड्रेस में हमने उनके साथ कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आज अगर कुछ भारी हम दोनों के बीच हो रहा है, मतलब हम दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करके आए, बड़ा करके आते हैं ना हम, तभी तो आज भारी एनर्जी हम दोनों के बीच में फ्लोट हो रही है इतनी। अब मेरे पास चॉइस है कि
कि इस बार मैंने उनको कौन सी एनर्जी भेजनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वाइट। अब जैसे ही हम वाइट भेजेंगे, इसका मतलब ये नहीं सामने से वाइट आनी शुरू हो जाएगी। आपने कल से दुआएं दी, इसका मतलब ये नहीं है वो कल बदल जाएंगे। उनको बदलने में टाइम लगेगा, और हो सकता है नहीं भी बदले, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना हमने उनको दिया हुआ है। हमारा फोकस सिर्फ किस पर होना चाहिए? ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली मी। कितनी भी मेहनत लगे, मुझे फोकस सिर्फ अपने पर रखना है। और प्रैक्टिस एक और बहुत जरूरी है करने, जिन आत्माओं के साथ हमारा थोड़ा ऐसा भारी वाला कार्मिक अकाउंट है, जहां तक हो सके उनको सारा दिन में याद नहीं करना। जिसको भी हम याद करते हैं तो उस क्षण हमारा मन किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा मन उनके साथ कनेक्ट हो गया, उनके मन की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी। दोनों माइंड क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही दोनों माइंड कनेक्ट हो गए, वो जो हमारे लिए फील कर रहे हैं, वो एनर्जी भी सारी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। हम अगर मेहनत भी करते हैं अच्छा सोचने की उनके लिए, वो हमारे लिए अगर अच्छा नहीं सोच रहे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हमें फील होता है कि हम किसी के लिए अच्छा ही नहीं सोच पा रहे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। और क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, वो सारी एनर्जी हमारे पास आ रही है और हम भी फिर वैसा सोचना शुरू कर रहे हैं। तो स्टॉप कट। अगर उनकी याद आए, बार बार फोर्सफुली अपने माइंड को दूसरी तरफ लेके जाना है, मतलब उस चैनल के साथ कनेक्ट नहीं होना, वहां की पिक्चर देखने लायक नहीं है, किसी और चैनल पे स्विच करना है, किसी और को याद करना है, मन को दूसरी जगह लेकर जाना है और सेफेस्ट उसको याद करना है, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ चली जाए? उधर। एकदम से कट करना है अपने आप को कि वहां की एनर्जी मुझ तक ऐसे ना आए, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी मुझे भी क्या कर देगी? डिप्लीट कर देगी। ये हमेशा क्लियर रखना है, बार बार अपने आप को बोलना है। उनको नहीं क्षमा कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं हम ये? अपने आप के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हम ये करते जाएंगे, हमारा मन और चित्त कैसा होता जाएगा? क्लीन, प्योर। आत्मा कैसी होती जाएगी? शक्तिशाली। शक्तिशाली आत्मा से फिर हर कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ। हर कर्म श्रेष्ठ होगा तो भाग्य कैसा होगा? अब सारा दिन में अगर बीच बीच पे हम उसको याद करते हैं, जिनको याद करेंगे उनके जैसा बनते जाएंगे। इसीलिए हर एक धर्म में हमें क्या सिखाया? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। किसी ने उस टाइम ये नहीं बताया क्यों याद करो, सिर्फ बोला भगवान को याद करो। भगवान को क्यों याद करो? क्योंकि जैसे ही परमात्मा को याद किया तो मन किसके साथ कनेक्ट हो गया? उसके मन के साथ कनेक्ट हो गया। और जैसे ही मन उसके मन के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ना शुरू हो जाएगा। हम में से किसी ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया कि हमने किसी को याद किया, उन्होंने भी हमें याद किया? हमने फोन किया, उन्होंने भी उसी टाइम फोन किया। कैसा हुआ? हमारा मन उनके मन से कनेक्ट हो गया, तो हमारी थॉट उनकी थॉट पर पड़ने। अब अगर किसी आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है ऐसे, तो आत्मा का परमात्मा के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो बार 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 सुबह तो करें, और दिन में बार बार क्या करते जाएं? जब मन उदास हो, जब भी मन दुखी हो, उन थॉट्स को ज्यादा देर रहने नहीं देना है। तुरंत किसको याद कर लेना है? उसको याद। लेकिन याद मुख से नहीं करना, मुख से किया तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। मुख से करते हुए करना किसको है कनेक्ट? मन को कनेक्ट करना है। जब तक मन नहीं कनेक्ट होगा तो उनके जैसा नहीं बनेंगे। जैसा संग वैसा रंग, लेकिन संग किसका? मन जिसका संग रखेगा उसका रंग मेरे ऊपर लगता जाएगा। रंग किस चीज का? उसकी वाइब्रेशन का कलर मेरे ऊपर लगता जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। अब हम बैठे हैं पूजा करने, मुख से पूजा कर रहे हैं, हाथ से भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन अगर किसी और को याद कर रहा है तो किसका रंग लगेगा? जिसको मन याद कर रहा है
तो संग बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि मन किसके संग में जुड़ा हुआ है। हम घर में बैठे हैं लेकिन ऑफिस की कोई बात याद कर रहे हैं, या हम ऑफिस में बैठे हैं घर की बात याद कर रहे हैं, बैठे हैं अपने फैमिली के साथ याद उनको कर रहे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो जिसका संग उसका रंग हमारे पे लग जाएगा, इसीलिए कहा जाता है बहुत ध्यान से संग करना है। लेकिन संग मतलब सिर्फ वो नहीं जिनके साथ बैठे हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, संग मतलब जिनको मन से याद करते हैं उनका रंग लग जाता है। तो जिनके साथ भारी कार्मिक अकाउंट है उनका संग नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं ऑफिस नहीं छोड़, ऑफिस छोड़ना है, काम उनके साथ करना है, मन से उनका संग नहीं करना। मतलब मन की फ्रीक्वेंसी बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो उनकी वाइब्रेशन का रंग हमारे ऊपर लग जाएगा, फिर हमें वाइट वॉल क्रिएट करने में मेहनत लगती है। फोर्सफुली भी सही मन को दूसरी जगह लेके जाना है, इनको नहीं मुझे याद करना, कट। फिर याद आएगी, इनको नहीं याद करना, कट। उस एनर्जी को मैंने अपने घर आने नहीं देना, बंद करना है उसको। तो ये जब हम करेंगे, परमात्मा को जब हम याद करेंगे, उसी को कहा जाता है सत का संग, उसको याद करेंगे तो उसके जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमें मिलती जाएगी। जो आत्मा सुबह सुबह उठकर सबसे पहले उसकी वाइब्रेशन ले ले तो उसकी अपनी स्थिति कैसी बन जाएगी फिर। तो फिर औरों को वाइट बॉल भेजना, वाइट बॉल भेजने के लिए ताकत चाहिए ना, तो सुबह सुबह वो वाइब्रेशन उससे ले ली तो सारा दिन वाइट बॉल भेजना क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। बीच में जब भी उनकी याद आए उन लोगों की भी, तो तुरंत उससे कनेक्ट कर फिर उसको वाइट बॉल भेजना है। प्राणिक हीलिंग सुना है? सुना है प्राणिक हीलिंग, रेकी, क्या करते हैं उसमें कि बीमार जो है वो दूर है कहीं, और हम हीलर जो है वो यहाँ दूर है, लेकिन यहाँ से बैठकर वो एनर्जी से सिर्फ उनके दर्द को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अगर शरीर के दर्द को दूर बैठकर ठीक किया जा सकता है तो मन के दर्द को भी दूर बैठकर ठीक किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जिनके साथ भारी कार्मिक अकाउंट है, रोज सुबह उठकर परमात्मा को याद किया और मेडिटेशन करने के बाद उस आत्मा को अपने मन पर सामने लेकर आए और परमात्मा से प्यार के सागर से प्यार की शक्ति ले उस आत्मा को देनी है कि हे आत्मा, हमारा पुराना हिसाब किताब पूरा हुआ, आज से नई एनर्जी। इसको कहते हैं सकाश देना। परमात्मा से शक्ति ली और उस आत्मा को दी। रोज करना है, रोज, एवरी डे, और जहाँ तक हो सके सुबह सुबह करना है जल्दी। इसलिए हम अमृत वेले उठकर मेडिटेशन करते हैं। अमृत वेले मतलब 4 बजे 4:30 5 सुबह सुबह जल्दी। क्यों? क्योंकि उस टाइम बाकी सब लोग, तो जब बाकी सब लोग सोए होते हैं तो एनर्जी भेजना इजी होता है। तो वो जिनको आपको एनर्जी भेजनी है उनको तब अटैक करो जब वो सोए हुए। उनको पता ही नहीं लगेगा सुबह उठने के बाद कि मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। उनको पता ही नहीं लगेगा कि आज मैं इनसे नफरत करने की बजाय मेरे को ये अच्छे क्यों लगने लग गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमने उनके चित्त पर क्या भेज दिया, परमात्मा की शक्तियां उधर भेज दी, उनको परमात्मा के संग में रंग दिया, तो उनकी वाइब्रेशन क्या होने लगेगी। ये वर्क करता है, इसको कोई भी करके देख सकता है। सिर्फ उसको लेकिन डेली करना है, डेली, लाइक अ डेली एक्सरसाइज, कि मुझे इस कार्मिक अकाउंट की एनर्जी को क्या करना है, चेंज करना है। डेली भगवान से लेनी है, उनको देनी है, लेनी है, उनको देनी है। अब सुबह ये करना है, फिर सारा दिन में कोई ब्लैक बॉल नहीं भेजने उनको लेके, नहीं तो अपने किए हुए काम की मेहनत को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। सुबह फोकस्ड एनर्जी, दिन में उनके लिए सब जब भी याद आ जाए तो अच्छा अच्छा, ज्यादा तो याद करना ही नहीं उनको, और कभी भी याद आए बीच में तुरंत उससे कनेक्ट कर उनको वाइट बॉल। थोड़े समय में कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनकी तरफ से चेंज हो ना हो, हमारी तरफ से चेंज हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे, हमारा जो बोझ था पुराने कर्मों का वो उतर के खत्म हो जाएगा, हम लाइट फील करना शुरू कर देंगे। जैसे कि किसी का कर्जा चुकता हो गया, मेरे चित्त से आपके प्रति जो एनर्जी थी वो सारी फिनिश्ड। करेंगे एक्सपेरिमेंट, किसी भी रिश्ते को बदल सकते हैं।
सिर्फ उनको फोकस्ड भेजना है। हमने यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर कोई बहुत कड़क वाला कार्मिक अकाउंट है, रोज रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उठकर उनको अटैक किया, भेजो इतना प्यार, भेजो इतना प्यार, भेजो इतना शुभ भावना भेजो। दुनिया में लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, परमात्मा कहता है वो ब्लैक मैजिक करते हैं, आप व्हाइट मैजिक करो। वो नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं और लोगों के काम बिगाड़ते हैं। तो हम परमात्मा की एनर्जी भेजकर लोगों को बदल नहीं सकते क्या? एनर्जी तो एनर्जी है, वो अपना काम करेगी करेगी, सिर्फ फोकस्ड करके भेजना होता है। वो नफरत से भर के करेंगे और हम किससे भर के करेंगे सब? हम परमात्मा के प्यार से, अपने प्यार से भी नहीं, सिर्फ परमात्मा के प्यार को लेकर उससे भर कर करेंगे। एनर्जी का इफेक्ट सामने वाले पर होना ही होना है, उसको डेली करना है। देखें डेली तो परमात्मा से रोज कनेक्शन अगर जोड़ते हैं तो हमारी भी प्रोटेक्शन होती है, और जो ये हमारे कार्मिक अकाउंट हैं उनको ये एनर्जी भेजकर उस रिश्ते में भी हमारी प्रोटेक्शन होती है। रोज सुबह जब याद करने बैठे उसको तो उससे शक्ति लें, अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें। हमेशा परमात्मा की एनर्जी से अपने अराउंड एक पूरा गोल सर्कल जरूर बनाना है, क्योंकि कलयुग का समय है। कलयुग में हर एक की वाइब्रेशन अलग अलग है, लोगों की एनर्जी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर देती है। तो अपने आप को रोज प्रोटेक्ट करके कवच डालकर फिर बाहर दुनिया में जाना है। नहीं तो आजकल क्या होता है, कुछ भी थोड़ा सा होता है ना, कहते किसी की नजर लग गई। छोटा बच्चा भी बीमार हुआ तो कहते किसी की नजर लगी। नजर नहीं लगती, नजर क्या लगेगी? ये तो डर क्रिएट हो जाता है कि किसी की नजर लगी, किसी ने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की तो की। हम थोड़ी रोक सकते हैं किसी को, मैं आपके बारे में कैसा सोचूं आप रोक थोड़ी सकते हैं मुझे। आप ये कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें ताकि मेरी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचे नहीं। अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को एनर्जी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जड़ चीजें कहाँ तक प्रोटेक्ट करेंगे? सिर्फ काला टीका लगाया यहाँ तो मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर लेंगे आप? गाड़ी स्कूटर मकान दुकान सबके बाहर नींबू मिर्ची टांग दिया, उन सब चीजों में सिग्निफिकेंस होगा, लेकिन सिर्फ उसको करने से एनर्जी नहीं ब्लॉक होने वाली है। एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो नेगेटिव भेजेंगे, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा हम सामने से क्या भेजेंगे, तब उनकी एनर्जी कट हो जाएगी। सिर्फ ऐसी चीजें रखने से उनकी एनर्जी नहीं कट हो सकती, एनर्जी को एनर्जी से काटना ही होगा। तो रोज सुबह परमात्मा की शक्ति लें। ये सब आपको बहने सिखाएंगी सेंटर पर कि मेडिटेशन कैसे करनी है, परमात्मा की शक्ति को कैसे चैनलाइज करना है अपने अंदर। तो उस शक्ति को चारों तरफ अपने एक एनर्जी फील्ड बनाएं कि मैं आत्मा और मेरी ये पूरी एनर्जी बॉडी परमात्मा की शक्ति से प्रोटेक्टेड है, अब इसके बाद किसी की भी एनर्जी का असर मुझ पर नहीं हो सकता। फिर उस एनर्जी को लें, अपने पूरे परिवार को भी दें, ये सब मेडिटेशन में कर सकते हैं। फिर उस एनर्जी को लें, अपने पूरे घर में परफ्यूम की तरह फैला दें, अपनी दुकान में ऑफिस में उसको परफ्यूम की तरह ऐसे फैला दें। अब किसकी नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी फिर उसके बाद? अगर लोगों की नज़र लगता है हमें कि लग जाती है, तो फिर परमात्मा की नज़र भी तो लगेगी। तो अगर किसी की नज़र से कुछ नेगेटिव होता है तो परमात्मा की नज़र से फिर, तो परमात्मा की नज़र ले लें अपने ऊपर। जो परमात्मा की छत्र छाया में पल रहे हैं उनके ऊपर कलयुग की कमजोर आत्माओं की क्या नजर लगेगी? हम लेकिन डर क्रिएट कर देते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया, मुझे किसी की नजर लगी, लोग मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। ये थॉट क्रिएट करने से हम अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। हम दरवाजे खोल देते हैं और वो एनर्जी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती है। हम एक थॉट आज से क्रिएट करें, किसी की वाइब्रेशन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं परमात्मा की शक्ति के कवच में प्रोटेक्टेड हूँ, बच गए। एक थॉट सारा कुछ चेंज करती है। अब जैसे ही हम ये करते हैं, हम अपने कितने सारे कर्मों को क्या कर लेंगे, बदलते हैं। कहाँ वो पुराना तरीका नेगेटिव को नेगेटिव भेजना, और कहाँ अब नेगेटिव को कई गुना ज़्यादा प्योर और पावरफुल एनर्जी भेजना। अब जब हम ये कर रहे हैं मन से, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में संयम और नियम चाहिए ताकि आत्मा की शक्ति
बढ़ती जाए। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न सात्विक अगर है तो मन के लिए सात्विक रहना इजी है, कि सात्विक अन्न आत्मा की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। बहुत ध्यान से अन्न लेना है। अन्न में भी वाइब्रेशन होती है या नहीं होती है? अन्न में वाइब्रेशन होती है। तो अन्न जिसने बनाया उसमें क्या वाइब्रेशन है? वो अन्न अगर हम खाएंगे तो हमें भी तो वो वाइब्रेशन मिलेगी। एक तो है तामसिक भोजन, नॉनवेज। कोई ऐसा भोजन नहीं खाएं जिसके अंदर किसी का दर्द, किसी के नफरत की एनर्जी है। वो डेड एनर्जी है। डेड एनर्जी से लाइफ कैसे क्रिएट करेंगे? डेड एनर्जी से हीलिंग कैसे क्रिएट करेंगे? एक पशु को जब मारा जाएगा या उसको पकड़कर एक हफ्ता पकड़कर रखा जाएगा तो वो कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा? वहां पे कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा? नफरत, दर, डर, दुख। तो हमने उसको पका के सुंदर बना के प्लेट में ले आए सामने, लेकिन साथ में कौन सी वाइब्रेशन लेकर आए? ऐसी वाइब्रेशन अपने अंदर नहीं डालना अगर आत्मा प्योर चाहिए तो। जब कोई शरीर छोड़ता है तो शव जब तक घर पे होता है तो खाना नहीं बनाते ना। जब तक वो अंतिम संस्कार नहीं हो जाए तब तक खाना नहीं बनाते, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन में खाना नहीं बनना चाहिए। वो जब बाहर जाता है, हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं, सब कुछ करते हैं, घर धोते हैं, तो जब अपने परिवार के किसी सदस्य का शरीर घर में है तो खाना नहीं बनता और किसी और के शरीर का ही खाना बन जाता है। हाउ कैन वी डू दैट? तो वो तो अगर कभी मन जाता भी है उस तरफ तो एकदम से क्या करना है? कट। कि ऐसी डेथ की एनर्जी अपने अंदर नहीं डालना। अब जो सात्विक भोजन हम बना रहे हैं, तो सात्विक मतलब सिर्फ वेजिटेरियन है तो सात्विक है? नहीं, सात्विक मतलब जिस भोजन के अंदर सात्विक वाइब्रेशन है। तो भोजन बनाते समय मन की स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। भोजन बनाना एक रिचुअल की तरह होना चाहिए, कि किचन में एकदम जैसे एक मंदिर की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो हम भोजन नहीं बना रहे लेकिन हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अगर हमें मंदिर में जाके प्रसाद बनाना हो तो हमारी मन की स्थिति कैसी होगी? कि हम परमात्मा के लिए प्रसाद बना रहे हैं। एक होता है रेस्टोरेंट का खाना, होटल का खाना, एक होता है घर में जो हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं खाना, और एक है जो मंदिर गुरुद्वारे में हम प्रसाद खाते हैं वो भी खाना। तीनों की वाइब्रेशन में फर्क। जो हम होटल में खाते हैं, क्योंकि आजकल हमें बहुत आदत पड़ गई है बाहर खाना खाने की, उस होटल के खाने के अंदर वाइब्रेशन कौन सी होती है? उसमें कमाने की वाइब्रेशन होती है, कि आप खाओगे तो मैं कमाऊंगी। फिर उसमें वाइब्रेशन होती है उन लोगों की जिन्होंने उधर खड़े होकर वो खाना बनाया। उनकी मन की स्थिति क्या थी? वो परेशान थे, चिंता में थे, गुस्से में थे, लड़ रहे थे, जो वो कर रहे थे उनकी वाइब्रेशन उस खाने में है। हम गए, हमने पैसे भी दिए और वो सारी वाइब्रेशन भी खा ली। किसी भी दिन अगर बिना किसी कारण के मन उदास लग रहा है, परेशान लग रहा है, नाराज लग रहा है, सिर्फ रिवाइंड करके चेक करना है, आज खाना कहाँ खाया था, आज किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया था, आंसर मिल जाएगा कि उनकी वाइब्रेशन में कुछ बहुत अटेंशन। भोजन कहाँ करते हैं, पानी कहाँ पीते हैं, एंड जब भोजन सामने आए तो उस भोजन को ऐसे ही नहीं खा लेना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भोजन बनाते समय उसमें वाइब्रेशन कौन सी गई। तो 30 सेकेंड्स स्टॉप। सिखाया जाता था ना हमें कि हाथ जोड़ के भगवान को याद करके फिर खाना खाना है, सिखाया गया था। लेकिन अब भगवान को याद करके खाना खाना है का मीनिंग क्या है? मतलब परमात्म शक्ति की वाइब्रेशन लेनी है, उस खाने के कण कण में डालनी है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको सारा क्या करना है? फिनिश करना है, फिर उस भोजन को अपने अंदर डालना है। ऐसे ही नहीं डालना, ऐसे नहीं खाना आया, थैंक यू भगवान जी खाने के लिए और खा लिया, उससे नहीं होगा। थैंक यू किया वो ग्रैटिट्यूड, लेकिन उसको प्योरिफाई करना है। तो एक मिनट रुकना है, परमात्मा की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति इस खाने के कण कण में जा रही है।
ये खाने में अगर किसी की कोई वाइब्रेशन थी, वो सारी वाइब्रेशन क्या हो रही है, वो हट गई है। ये खाना अब खाना नहीं है, ये अब खाना क्या बन चुका है, ये खाना अब प्रसाद बन गया है। ये 30 seconds, 1 minute पूरी एक्सरसाइज एनर्जाइज करके फिर उस खाने को खाना है, तब हम सेफ हैं, तब हम किसी की वाइब्रेशन ऐसे अंदर नहीं लेंगे। पानी का एक ग्लास भी अगर लिया तो उसको ऐसे ही नहीं पीना शुरू करना, पानी में भी वाइब्रेशन है, उसको कम से कम ऐसा रुके, उसको प्योर पावरफुल थॉट दें, ये परमात्मा की शक्ति इस पानी में जा रही है। अब ये पानी पानी नहीं रह गया, अब ये पानी क्या बन गया, मंदिर जाते हैं चरणामृत लेते हैं, अमृत लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस घर के पानी में और उस अमृत में, व्हाट इज़ द डिफरेंस घर के भोजन में और उस प्रसाद में, उस पर किसी ने क्या किया है, एनर्जी डाली है। तो फिर थोड़ा सा अमृत क्यों, सारा दिन अमृत क्यों नहीं, थोड़ा सा अमृत क्यों, सारा दिन अमृत क्यों नहीं, और अमृत लेने हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों होंगे कि वो ही हमें अमृत देंगे। हम अपने हर पानी के ग्लास को अमृत बना सकते हैं, हर पानी का ग्लास अमृत बन जाएगा। रुके, पॉज, परमात्मा की शक्ति उस पानी में भरती जा रही है, पानी के क्रिस्टल्स चेंज हो जाते हैं, पानी की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। इसलिए कहा गया जैसा पानी वैसी वाणी, सब कुछ पता, जैसा अन्न वैसा मन। तो ध्यान से खाना है, ध्यान से पीना है, दवाई भी खानी है तो रुक कर दवा को भी पहले अच्छी वाइब्रेशन देकर फिर परमात्मा की शक्ति इस दवा में भर रही है। अब ये दवा मेरे अंदर जाकर मेरी बीमारी को क्या कर देगी, खत्म। मैजिक क्रिएट होता है वाइब्रेशन से, एकदम मैजिक क्रिएट होता है। तो अन्न सारा पानी अपने अंदर जो डाला वो कैसा, सात्विक। मन कैसा, सात्विक। धन जो कमाया सारा दिन वो कैसा, सात्विक। धन कमाते समय बहुत ध्यान रखना है कि धन कमाना है, लेकिन धन कमाते समय कभी भी किसी को दुख या दर्द नहीं मिलना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी थोड़ा भी चीट करके अगर धन कमाया, थोड़ा किसी से अनजस्टिफाइड ज़्यादा लेकर धन कमाया, तो उस धन के साथ घर में क्या आने वाला है, उस धन के साथ उनका दर्द भी घर में आएगा। हमें धन कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन धन के साथ दुआएं भी घर में आनी चाहिए, क्योंकि धन से सामान आएगा, दुआओं से हमारे घर सुख आएगा, सेहत आएगी, प्यार आएगा। जब जीवन में कोई संकट आती है और अचानक ठीक हो जाती है तो क्या कहते हैं, किसी की दुआ लगी। वो दुआ ऐसे ही फ्री में नहीं मिलती, वो दुआ हमने कभी ना कभी किसी कर्म से कमाई होती है। और जब कुछ गलत हो जाता है हम कहते हैं किसी की नज़र लगी, वो नज़र भी फ्री में नहीं मिलती, वो भी हमने अपने किसी ना किसी कर्म से कमाई होती है। हमने कोई ऐसा कर्म किया होता है जो किसी को दुख मिला होता है, वो एनर्जी हमें लगी। तो धन कमाते समय ये ध्यान रखना है, धन से ज़्यादा हमें क्या कमाना है, दुआएं कमानी है। जो आत्मा दुआएं कमाएगी वो धन तो अपने आप कमाती जाएगी। अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा सोचना है, जो कर रहे हैं अपने फायदे से पहले दूसरे को सहयोग देना, दूसरे को सुख देना, पता नहीं चलेगा जीवन इतनी सुंदर कैसे बन गए। सारा दिन लेना 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 सोचेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जीवन इतनी दुखी क्यों हो गई है, क्योंकि सारा दिन क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 करना क्या है, ऐसे। तो धन जो घर आए वो भी सात्विक, कभी भी थोड़ा भी लोभवश किसी को दर्द देकर धन घर नहीं चाहिए। ऐसा धन कमाकर बच्चों को अन्न खिलाएंगे तो उस अन्न में भी वो दर्द जाएगा, तो ये ऐसा धन बरकत नहीं करेगा घर आकर। और इसीलिए आज हमने इतना धन कमा लिया, खुशी नहीं कमाई अभी तक, क्योंकि हम धन कमा रहे थे, दुआएं नहीं कमा रहे थे। परमात्मा कहते हैं जीवन का एक ही पर्पस होना चाहिए, सारा दिन दुआएं दो दुआएं लो, बस एक ही पर्पस ऑफ लाइफ। कल सारा दिन को चेक करें, मंडे एंटीना इसी भी फ्रीक्वेंसी पर लगाना चाहिए, सबसे दुआएं, सबको सुख, सबको सहयोग, सबकी सेवा, तो खुशी अपने आप आती जाएगी, अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा। जो आत्मा दुआएं कमाएगी उसका अपना जीवन कैसा चलेगा,
फरिश्तों के जैसे वो उड़ता जाएगा, उड़ता है। तो सिंपल है, बैलेंस शीट को कैसे ठीक करना, हर ट्रांजैक्शन कैसी होनी है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस सामने बाद में आए तो हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा ने कहा ये कलयुग है, घोर कलयुग है, लेकिन अब ये घोर कलयुग क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। और घोर कलयुग फिनिश होते होते साथ में कौन सा युग स्टार्ट हो जाने वाला है, सत्युग होने वाला है। सत्युग में कौन सी आत्माएं होंगी, परफेक्ट, प्योर, पावरफुल। एक सीन विजुअलाइज करते हैं कि सत्युगी आत्मा कैसी होगी, बिल्कुल भरपूर, जिसके लिए गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनका शरीर कैसा होगा, कंचन काया, इसीलिए आज दिन तक उनकी खंडित मूर्ति नहीं स्थापन होती है। देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखते ना, क्यों, क्योंकि देवताओं का शरीर थोड़ा भी खंडित नहीं था, क्योंकि आत्मा परफेक्ट थी तो शरीर भी कैसा होगा उसका, परफेक्ट होगा। अब देखें, हम आज सुबह थे, सुबह जब हम उठे तो हम कितने फ्रेश थे, चार्ज थे, एनर्जाइज थे। फिर सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हुई, हम रात तक पहुंचते पहुंचते थोड़े से क्या हो गए, थक गए, मैले हो गए, पसीना आ गया, ठीक है। हम ही सुबह थे, हम ही दोपहर को आए, हम ही शाम को थे, हम ही रात को हैं। अब हम रेस्ट करेंगे, नहाएंगे और सुबह हम ही होंगे या कोई अलग लोग होंगे, हम ही होंगे या कोई अलग लोग होंगे, हम ही होंगे। मतलब साइकिल किन लोगों का है, हमारा ही है। हम ही सुबह, हम ही रात, और फिर हम ही सुबह। तो परमात्मा ने कहा सत्युग में आप थे तो कैसे थे, फ्रेश थे, क्लीन थे, पावरफुल थे। फिर त्रेता युग में आए तो थोड़े से क्या हुए, थोड़े से कम हो गए। द्वापर युग तक आते आते बैटरी क्या हो गई, कम हो गई। फिर थोड़ा सा लड़ना शुरू किया, थोड़ा सा गुस्सा करना शुरू किया, भगवान को ढूंढा, जप तप पूजा की, ये सब कुछ हमने द्वापर युग में किया। फिर कलयुग में आए तो हम कैसे हो गए, जो देवी देवताएं सत्युग में थे, ब्यूटिफुल परफेक्ट देवी देवताएं, जो आत्माएं सत्युग में थी, देवी देवताएं जो सत्युग में थे, वो आज कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं। हम सुबह थे, हम रात तक पहुंचे, हम ही फिर सुबह आएंगे। परमात्मा ने कहा आप सत्युग में थे, आप कलयुग तक पहुंचे और अब आप ही सत्युग में आएंगे। तो वो सत्युगी देवी देवताएं कहाँ हैं, सत्युगी देवी देवताएं थोड़े से कैसे हो गए, बैटरी थोड़ी यूज होते 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 क्या हो गई। तो परमात्मा ने आकर कहा कौन थे, क्या हो गए, लेकिन पोटेंशियल देखो आपका कितना है, अब वापस उस पोटेंशियल पर जाना है। सत्युग मतलब सत्युगी संस्कार, देवताई संस्कार, दिव्यता वाले संस्कार, डिवाइन सोच, डिवाइन बोल, डिवाइन व्यवहार, सत्युगी संस्कार। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, देखो उसमें चार हाथ है। वो सत्युग में हाथ कैसा है, पहला पुर है ना वो, तो सत्युग में हाथ कैसा है, आशीर्वाद दे रहा है। त्रेता युग में हाथ क्या हो गया, नीचे आ गया। द्वापर युग में हाथ कौन सा हो गया, मांगने वाला हो गया। और कलयुग में हाथ कौन सा हो गया, स्वास्तिक। चार युग, हर चीज में मीनिंग है, लेकिन हमने सिर्फ ड्रॉ किया। और इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, स्वास्तिक, स्व की स्थिति का मंथन करना है। हम सत्युग में थे, हम कलयुग में पहुंच गए हैं, अब हमें वापस किस में जाना है, सत्युग में जाना है, उसका यादगार वो स्वास्तिक है।